जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी बच्चे, मैं हूं जावेद इकबाल किरा डिग्री कॉलेज से। आज हम अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो के टॉपिक है जी आज हमारा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम से क्या मुराद होता है बेटा? रैंडम एक्सेस मेमोरी, या फिर इसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। अब हमने रैम क्यों, रैंडम क्यों कहा? रैंडम बेटा इसलिए कहते हैं इसका ईच इंडिविजुअल बाइट कैन, ठीक है, एक्सेस इक्वल टाइम, यानी आप इसके हर हिस्से तक एक जितना टाइम में जाएंगे, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, रैंडम एक्सेस कहते हैं। ठीक है जी, रैंडम का मतलब समझ लग गया क्या चीज़ है, कि जो के डाटा को आप कहीं भी सेव कर लें, लेकिन आपको इक्वल टाइम लगे एक्सेस करने में, रसाई हासिल करने में, तो हम उसको कहते हैं रैंडम, डायरेक्ट, बराह रास्त। जो चीज़ बराह रास्त, मसलन दरमियान में कोई इंटरमीडिएट हैंडलिंग ना आता हो, तो हम उसको रैम का नाम देंगे। ठीक है जी, बहरहाल ये जी डाटा क्या करती है, स्टोर डाटा टेम्परेरी, यानी के आरजी तौर पे स्टोर करेगी। आरजी तौर पे क्या मतलब है, जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन रहेगा इसमें डाटा बरकरार रहेगा, उसके बाद इसमें से डाटा जो है वो सारा जाया हो जाएगा, इसलिए ये टेम्परेरी होता है। इसके लिए टर्म हम यूज करते हैं जी वोलाटाइल। वोलाटाइल का क्या मतलब है, वोलाटाइल कहते हैं जी ऑल डाटा लॉस्ट व्हेन कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, ऑल डाटा लॉस्ट व्हेन कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। जब हमारा कंप्यूटर बंद हो जाएगा उसमें से हर चीज जाया हो जाएगी, उस टर्म को हम नाम क्या देते हैं, वोलाटाइल। बात की समझ लगी बेटा, कि जब हमारा कंप्यूटर बंद हो जाएगा उसमें से हर चीज जाया हो जाएगी, हम उसको कहते हैं वोलाटाइल। इसलिए हम रैम को क्या कहते हैं, आरजी, कि हमारा जब कंप्यूटर ऑन रहता है तो सेव होता है। मसलन आप म्यूजिक सुन रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, आपने देखा होगा जब आपका कंप्यूटर लाइट चली जाए, आप दोबारा उसको ऑन करते हैं, तो वो वहीं से स्टार्ट नहीं होता, बल्कि क्या होता है, आपको दोबारा ऑन करना पड़ता है। इस वजह से, क्योंकि वो रैम में चल रहा था, ठीक है, जब वो, ठीक है, बंद हुआ, हर चीज उसमें से जाया हो गई, ठीक है, इसलिए हम इसे वोलाटाइल कहते हैं। रैम में दो काम होते हैं, एक होता है रीड और एक होता है राइट। ये सीपीयू के साथ इन्वॉल्व होती है। देखो, सीपीयू दी रीड डाटा फ्रॉम रैम, सीपीयू ने डाटा पढ़ना होता है रैम से, सीपीयू का राइट डाटा टू रैम, और रैम पे डाटा लिखना होता है। सीपीयू को जो भी डाटा चाहिए वो उसको कहां से लेता है, रैम से लेता है, ठीक है। जब उसने कोई डाटा रैम से लेना है उसको कहना है आपने रीड ऑपरेशन, जब उसने कोई डाटा रैम पे कॉपी करना है वो कहलाएगा राइट ऑपरेशन, ठीक है, याद रखना है आपने। सीपीयू दो अमल करता है रैम पे, एक रीड और दूसरा कौन सा है, राइट, ठीक है। हम इसको रैम को मेन मेमोरी भी कहते हैं, या फिर इसे क्या कहा जाता है, प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। इसको हम इस्तेमाल करते हैं यूज टू स्टोर डाटा, ठीक है, यूज टू स्टोर डाटा व्हाइल इट इज बीइंग एग्जीक्यूट। जो चीज चल रही है, रन हो रही है, उसको स्टोर करने के लिए जो जगह होती है हम उसको रैम कहते हैं, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था, हमने म्यूजिक चलाना है, जो भी चीज चलानी है वो जाके पहले किस में होती है, रैम में होती है। इसलिए आपने देखा होगा कंप्यूटर की जो स्पीड है ना, वो रैम पे डिपेंड करती है, यानी रैम को देखा जाता है उसके लिए, ठीक है। तो रैम के जरिए डाटा है, ठीक है, सारा प्रोसेस होता है। जितनी ज्यादा अच्छी रैम होती है उतना ही ज्यादा उसमें डाटा स्टोर होता है, ठीक है, यानी उतना ज्यादा डाटा प्रोसेस हो सकता है। इसलिए जो चीज एग्जीक्यूट हो रही है, रन हो रही है, उसको स्टोर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, रैम इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कंप्यूटर की रैम ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, कंपैटिबल होनी चाहिए सीपीयू के साथ, तब उसकी प्रोसेसिंग पावर जो है वो ज्यादा होती है, अदरवाइज वो अच्छा काम नहीं करेगा। क्योंकि जो भी चीज आपकी विंडो स्टार्ट होनी है वो भी जाकर लोड होती है रैम में, हर वो चीज जो आपने एग्जीक्यूट करनी है वो पहले रैम में जाएगी, तब एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, चल नहीं सकती। आगे जी हमने इसकी आज टाइप्स पढ़नी है साथ में। टाइप्स में भी हमारे पास आता है डी रैम है, एस रैम है, एम रैम है। डिफॉल्ट डायनामिक,
एस फॉर स्टैटिक, एम फॉर मैग्नेटिक मैग्नेटो रिसिस्टिव रैम, ठीक है। ये नई टाइप है, ये दो कॉमन हम इस्तेमाल करते हैं आम, ठीक है, लेकिन जो नई रैम है वो ये वाली है, मतलब नई टेक्नोलॉजी इसमें हो रही है, ठीक है। डी फॉर डायनमिक, ठीक है, वो कहता है जी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, मोस्टली यूज। फिर वो कहता है लीस्ट एक्सपेंसिव, सस्ती है, किसके मुकाबले में सस्ती है, एस रैम के मुकाबले में सस्ती है। उसके बाद ये क्या है, स्लो है, ठीक है, यानी इसकी जो कारकर्दगी है वो कम है, किसके मुकाबला में, एस रैम के मुकाबला में, ठीक है जी। यानी डी रैम जो है ये स्लो है, किसके मुकाबला में, एस रैम के मुकाबला में, ठीक है। इसको क्या चाहिए जी, नीड इलेक्ट्रिकल करंट टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल स्टेट, इसको अपनी स्टेट को बरकरार रखने के लिए इलेक्ट्रिकल करंट की ज़रूरत होती है, यानी हमें इसको चार्ज करना पड़ता है बार बार। अगर हम रिचार्ज नहीं करेंगे ये अपनी एफिशिएंसी खो देगी, आहिस्ता आहिस्ता इसकी रिचार्जिंग डिक्रीज होती जाएगी, जिसकी वजह से इसकी जो एफिशिएंसी है वो कम होती जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता ये नाकाबिले इस्तेमाल हो जाएगी। यानी डी रैम जो है उसको इलेक्ट्रिकल करंट चाहिए जो बार बार उसको रिचार्ज करे। वो बार बार रिचार्ज करने का मकसद ये है कि आपको, ठीक है, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको मेंटेन कर सकें। यानी अगर आप उसको रिचार्ज नहीं करेंगे उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। डी रैम रिचार्ज अगेन एंड अगेन, हमें बार बार करना पड़ता है रिचार्ज उसे, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे डिसएडवांटेज इसका, अब अगर हम इसको रिचार्ज कर रहे हैं उस वक्त इसको सीपीयू एक्सेस नहीं कर सकता, सीपीयू कैन नॉट एक्सेस व्हाइल इट इज चार्ज। जब हम इसे चार्ज करेंगे सीपीयू इसको एक्सेस नहीं कर सकेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको रिचार्ज करते हुए इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, ठीक है। यानी ये इसका डिसएडवांटेज है, इस वजह से ये स्लो होती है, ठीक है। यानी जब ये चार्ज हो रही होती है हम इस तक रसाई हासिल नहीं कर पाते, इस वजह से ये क्या होती है, स्लो होती है, कम इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। फिर आगे जी दूसरी टाइप एस रैम, स्टैटिक रैम कहते हैं जी इसको, स्टैटिक, स्टैटिक, ठीक है, जो चीज़ बरकरार रहती है, ठीक है। वो कहते हैं जी नो नीड ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, इसके लिए हमें कोई करंट नहीं चाहिए, हमें कोई, ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए करंट नहीं चाहिए। सीपीयू डज नॉट वेट, जब देखो बेटा हमें इसको रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा, सीपीयू वेट भी नहीं करेगा। हमने पिछली किस्म में पढ़ा था कि वहाँ पे जो रैम थी वो डी रैम जो थी वो जब चार्ज होती है वो इस्तेमाल नहीं हो सकती। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिकल करंट ही नहीं चाहिए, रिचार्ज ही नहीं करना हमने इस वजह से हमें वेट भी नहीं करना पड़ता, ठीक है। इसमें लॉजिक गेट इस्तेमाल होते हैं, ये होती है फास्ट, ठीक है, यूटिलाइज लेस पावर, ठीक है जी। जब रिचार्ज नहीं करेंगे तो ये कम पावर खर्च करेगी, ठीक है। मोर एक्सपेंसिव, ज़्यादा महंगी है। यूज टू बिल्ड कैश मेमोरी, इसको बनाने के लिए किसकी ज़रूरत है, कैश, मतलब जब आपने कैश मेमोरी बनानी है ना तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, स्टैटिक रैम यूज़ करते हैं। कैश रैम कौन सी होती है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। कैश रैम सीपीयू को जब भी, हाँ जी ठीक है, कैश मेमोरी मैं बता रहा था आपको। कैश मेमोरी क्या चीज़ है, ऐसी मेमोरी जब सीपीयू किसी चीज़ पे अमल करता है ना, एक दफ़ा वो मेमोरी से कुछ चीज़ लेता है उसकी एक कॉपी जाकर ना इस कैश में स्टोर हो जाती है। ये सिस्टम की स्पीड को बूस्ट अप करती है, तेज़ करती है। नेक्स्ट टाइम जब आप, ठीक है, उसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसको बजाय रैम में जाएंगे, आप उसको कैश में, कैश होती है सीपीयू के इनसाइड, उसके पास होती है, इस वजह से ये तेज़ होती है, ठीक है जी। यानी कैश मेमोरी को बनाने के लिए हम एस रैम यूज़ करते हैं जी। तीसरी किस्म आ गई जी एम रैम, मैग्नेटो रिसिस्टिव रैम। अब इसमें देखें, इसमें था जी इलेक्ट्रिकल करंट, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसमें होगा मैग्नेटिक चार्ज, मक्नाटीसी चार्ज इस्तेमाल किया जाएगा। यानी इसको बनाने के लिए और इसको मेंटेन करने के लिए मक्नाटीसी चार्ज, ठीक है, कम पावर लेती है, यूज लेस पावर, ठीक है। वो मोर एक्सपेंसिव, ग्रेटर स्टोरेज कैपेसिटी। देखो जब हम मैग्नेटिक यूज करेंगे ना तो इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो ज्यादा हो जाएगी, यानी ज्यादा डाटा को होल्ड कर सकेगी ये। आइडियल फॉर पोर्टेबल डिवाइस, कहाँ पे यूज करते हैं इसको, पोर्टेबल, पोर्टेबल में क्या आता है, लैपटॉप आता है,
टैब आता है, मोबाइल डिवाइसेस आती हैं, ठीक है। लैपटॉप में ज़्यादातर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फास्टर, तेज़ है। रिटेन इट्स कॉन्टेंट, रिटेन का मतलब होता है बरकरार रखना। अब ये देखें जी, ये वाली जो किस्म है ना, जब हमारा कंप्यूटर खराब मतलब बंद होगा, इसमें थोड़ी देर के लिए डाटा को स्टोर करने की सलाहियत होती है। इसलिए आप कभी देखें, अगर आप लेटेस्ट लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आपने देखा होगा, अगर किसी वजह से हमारा लैपटॉप बंद हो जाए ना, तो हम उसको जब दोबारा ऑन करेंगे, जो चीज़ ऑन होती है वो उसी जगह बरकरार रहती है। उस चीज़ की बात कर रहा है, वो कहता है रिटेन इट्स कॉन्टेंट्स, अपने कॉन्टेंट्स बरकरार रखता है। व्हेन पावर इज रिमूव, जब पावर को आप क्या करते हैं, रिमूव करते हैं फ्रॉम कंप्यूटर, ठीक है। इस वजह से इसकी सलाहियत ज़्यादा अच्छी होती है, हम ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये पोर्टेबल डिवाइसेस जो होती हैं वहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, ठीक है जी। एम रैम, मैग्नेटो रिसिस्टिव रैम कहा जाता है इसको, ठीक है जी। आज हमने पढ़ा है जी रैम और उसकी टाइप्स, ठीक है। इसको आपने अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है, किसी किस्म का मसला हो वो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।